देखिए, हिमाचल के साथ ही दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर भी लैंडस्लाइड और बारिश की मार पड़ी है। पहाड़ी राज्यों में पानी का ये कहर अब मैदानी राज्यों में मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। नीचे उफनते पानी की रफ्तार और दो पहाड़ों के बीच रस्सी की मदद से जिंदगी बचाने की कश्मकश, ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित मद महेश्वर घाटी की, जहां लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के सामने पुल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मद महेश्वर घाटी में 50 लोग फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला। ये गांव है मंटोली, यहां पर मिले हम, यहां पर मंदांगी से खाने पीने की रहने की बढ़िया व्यवस्था है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऊपर रहने, गाँव वालों ने जान दिया, होटल मेरा उसने पूरा साथ दिया। फिर भी मैंने दो बार खाना खाया, सुबह 6-7 बजे भी खाया, 11 बजे भी खाया। अभी लोग बोल रहे हैं 10 करके जाना, वो तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर बह रही हैं। सीधा असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे चुका है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। खेत खलियान पानी में जल समाधि ले चुके हैं। खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरिद्वार से पानी छोड़ा गया है, अब तो यहाँ बाढ़ ही बाढ़ है। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, खास मदद नहीं मिली, लेकिन कोई देखने भी नहीं आया अभी। प्रशासन ने आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था करी आपके? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। रहने के लिए दिक्कत है, पशु है, पशु के लिए चारा नहीं है। उत्तराखंड के पानी ने यूपी में कहर बरपाया है, तो पंजाब में हिमाचल के पानी ने मुश्किल खड़ी कर दी है। तस्वीरें पंजाब के आनंदपुर की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इन हालातों की वजह से हिमाचल के भाखड़ा डैम का पानी, भाखड़ा डैम से सतलुज में काफी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पंजाब के इन गांवों में पानी ने घुसपैठ कर दी है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल से छोड़े जा रहे पानी से कुछ ऐसा ही हाल पंजाब के होशियारपुर में भी है। लोगों के घरों में पानी घुसपैठ कर चुका है, घर करीब करीब आधे जलमग्न हैं। लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ कूच कर रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश के बाद अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी डराने लगा है। फिलहाल यमुना का जलस्तर 204.94 है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश बेरहम होकर बरस रही है, उससे लग रहा है कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये सुरक्षित कब तक है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा जो इलाका है यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ये जो लोहे का पुल का जो ये आप लोहे का पुल देख रहे हैं, ये पानी पूरा इसको पार कर चुका था। बीच में जो तस्वीरें हमने देखी थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका था, तो यमुना का जलस्तर जब खतरे के निशान को यमुना के जलस्तर ने जब पार किया तो ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। उत्तराखंड के मद महेश्वर घाटी में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ के गांव गोंडार के बड़तोली में पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है, जिसके बाद यहाँ कहा जा रहा है काफी संख्या में स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। जानकारी के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम डीडीआरएफ की टीमों ने कल 52 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया, ये जानकारी। और आज फिर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद। खबर ये कि कल 52 लोगों को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया और आज भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि सुरक्षित यहां से निकाल लिया जाए। मद महेश्वर घाटी में भारी बारिश और किस तरीके से लोगों की मुश्किलों में इजाफा यहां पर हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।